मिले थे, पहली फिल्म उसकी थी। फिर मुंबई आया, मेरे घर में ही रहा, छोटा भाई है, आज भी वही प्यार दुलार बना हुआ है, वही रिश्ता। फिर पवन सिंह पहली बार एज ए हीरो, उसके बाद मंजूल ठाकुर पहली बार एज ए डायरेक्टर ब्रेक, तीन तीन स्टार बने यहाँ पे सर। दिलीप सर आइए ना, थोड़ा एक फोटो करते हैं। आनंद जी, बहुत दिन बाद आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ। यस सर, अच्छा लगा। किरण सिनेमा एक गेट टुगेदर की जगह है, आके बहुत ही हमें अच्छा लगा। और विजय जी को हम थैंक यू देते, संजय भूषण पटियाल को भी थैंक यू देते जी। थैंक्स एवरीवन। बॉस, कई सारे लोग हैं जिनको अवार्ड मिला, कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अवार्ड नहीं मिल पाया, उन्हें कुछ कहना चाहते हैं? अवार्ड मिला है ये लोग, जिन लोग का मिला नहीं, ये लोग नेक्स्ट ईयर के लिए कोशिश रखे, अपना काम के ऊपर फोकस रखे और ट्राई करें जो नेक्स्ट अवार्ड उनको मिलता रहे। बॉस, गेस्ट में कई सारे लोग आए, कई नोटेड लोग आए और सब ने आपको ग्रीट किया, आपसे सब लोगों ने मुलाकात की। मतलब ओवरऑल अगर अवार्ड को हम रेट करें तो कैसा था? ओवरऑल हम फाइव में फाइव भी देते मार्क्स, कोई कमी नहीं है। थैंक यू। लगातार कई सालों से लगातार जो हिंद सिनेमा का अवार्ड है उसका आयोजन होता है, कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, उनकी डांस परफॉर्मेंस होती है, आपको किसी का डांस परफॉर्मेंस अच्छा लगा बॉस? डांस परफॉर्मेंस हमने एक ही देखा है अभी तो, नेक्स्ट ऑलरेडी चल रहे, बट आई कंपेयर आगे कौन से डांस आने वाला, कंपेयर करने की बात ही बता सकते हैं। बॉस, आपकी अगर मैं मानूँ तो बेस्ट एक्टर भोजपुरी सिनेमा का कौन है? भोजपुरी सारे अपने अपने एंगल से सारे बेस्ट, टॉप थ्री हमें तीनों अच्छे लगते हैं, दिनेश लाल जी, पवन जी, केशरी जी, तीनों एक्टर ही हमारे फेवरेट हैं। अगर टॉप थ्री चुनना हो तो यही है? टॉप थ्री है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर एक्ट्रेसेस की हम बात करें? एक्ट्रेसेस टॉप थ्री एक्ट्रेसेस अमरूपाली दुबे जी है, अक्षरा सिंह एंड कजल रवि, टॉप थ्री है। ओके, तो मतलब अगर जूरी अशोक प्रसाद अभिषेक जी को भी माने तो इनमें से किसी को अवार्ड मिलना चाहिए? यस ऑफकोर्स, क्योंकि ये लोग सबसे लंबा टाइम कंटिन्यूसली अपने फिल्म इंडस्ट्री में टाइम दिया है, तो उनको वर्क को अप्रिसिएट करना, एक्नॉलेज करना कंपलसरी है। बस इसीलिए शायद आपने इन्हीं टॉप थ्री को चुना अपनी फिल्म बनाने के लिए? ऑफकोर्स, उनके काम की काम को हम एक्नॉलेज अगर नहीं करें, फर्स्ट वी नीड टू एक्नॉलेज देम फर्स्ट। अच्छा बॉस, आपकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, फिल्में जो आने वाली थी, आपने तीनों को साइन किया है, त्रिदेव जो भोजपुरी सिनेमा के हैं, थ्री स्टार सुपर स्टार्स ऑफ भोजपुरी सिनेमा, उनका क्या स्टेटस है? उनका स्टेटस ये है, हम थोड़ा अपना जो फ्लैगशिप बिजनेस आई थी उसमें थोड़ा इन्वॉल्व है, और ये तीनों मूवी उपरला चाहे तो 2023 में कंप्लीट हो जाएगा। एक मेगा बजट फिल्म आपने अनाउंस की थी जिसमें आपने कहा था कि हम तीनों स्टार्स को एक साथ कास्ट करेंगे, बजट विल बी इन करोड़। अभी फिलहाल जुलाई तक मेरा तो प्लान है, अप्रैल जुलाई 31 को बोलते हैं। ठीक है, मेरा हो गया। एनी अदर क्वेश्चंस, किसी को पूछना है कुछ? ठीक है बॉस, आप कुछ कहना चाहते हैं जो ऑडियंस आपको देख रही थी इंटरव्यू, उन्हें आप कुछ कह रहे हैं? एनी मैसेज टू द ऑडियंस बॉस? ऑडियंस को हम यही मैसेज देना चाहते हैं, आप लोग इससे पास्ट जो क्राउड था इस बार बहुत क्राउडलेस है, और हम चाहते हैं डबल की डबल क्राउड रहे नेक्स्ट ईयर, इससे भी डबल क्राउड रहे, और एक गेट टुगेदर है अंडर वन अम्ब्रेला, ऑल कैन गेट टुगेदर, गेट अवार्डेड। सर, ये जो अवार्ड्स होते हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि आज लगातार एक के बाद एक अवार्ड्स होते हैं, और अवार्ड्स जो सालों में एक बार या दो बार देखा जाता है, अगर मैंने देखा जाता है, उससे कम तो उसकी डिमांड जितना हुआ नहीं। ग्रीन सिनेमा अवार्ड विजय पांडे जी एक एंडलेस सपोर्ट इन्वेस्ट किया है, उनका कंटिन्यूसली एक्सट्रीम एनर्जी हमने देखा है, रात दिन क्या हुआ भगदड़ करके अरेंज किया है, तो विजय पांडे को हम थैंक यू देते हैं, और हम चाहते हैं नेक्स्ट ईयर इससे डबल ग्रो करें, और अवार्ड में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैसा हम आए ऐसा सबको आना चाहिए।